फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुल्फी जो बिना गैस जलाए बिना दूध गाढ़ा किए बनाएंगे। इसके लिए मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और मैंने केसर ले लिया है। इसे हम जार में डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे चीनी और बंद करके इसे हम बारीक से पीस लेंगे। आप देख सकते हो गया है, तो साइड रख देंगे। यहाँ मेरा बड़े साइज का स्लाइस था ब्रेड का, इसलिए मैंने 3 यूज किया है। अगर आपके छोटे साइज का ब्रेड है तो आप 4 पीस यूज करें और उसके ब्राउन पोर्शन को कट करके निकाल दें। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, बिना गैस जलाई आप ये कुल्फी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये इतना आसान है कि बच्चे भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउन पोर्शन कट के निकाल दिया है। अब हम इसे तोड़ करके जार में ट्रांसफर कर देंगे और अभी हम फिलहाल इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसे हम बारीकी से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं ये हो गया है। अब हम इसमें आधा कप दूध एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और यहाँ पे हम यूज करेंगे मलाई या फ्रेश क्रीम। मेरे पास फ्रेश क्रीम था, मैंने वो यूज किया है। आप यहाँ पे मलाई यूज कर सकते हैं दूध का। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना पाउडर मिल्क ऐड किया है। सारी चीजों को एक बार मिलाने के बाद जरूर चला ले। फिर चलाने के बाद आप देख सकते हैं ये हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके का कागज का कप में भी इसे जमा सकते हैं। अब इसे कवर कर दें एल्युमिनियम फॉइल से और 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। मैंने इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये आप देख सकते हैं ये जम के तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने घंटों इसमें मेहनत भी नहीं की और ये कुल्फी आपका बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप ट्राई करने वाले हैं। ट्राई करते तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें ताकि इसी तरीके से नई इजी टेस्टी रेसिपी लाते रहें। धन्यवाद।